आज हम देखने वाले हैं महिंद्रा थार का टॉप मॉडल। तो सबसे पहले हम बैग से शुरुआत करते हैं। तो बैग में आप देख सकते हैं कि इसमें एसेसरीज़ भी लगी हुई हैं, तो इसमें आपको क्रोम एलिमेंट्स भी देखने को मिल जाते हैं। ये लाइट पे क्रोम एलिमेंट्स देखने को मिल जाते हैं, डोर हैंडल पे क्रोम एलिमेंट्स देखने को मिल जाते हैं, बाकी यहाँ पीछे रिफ्लेक्टर पे क्रोम एलिमेंट्स आपको देखने को मिल जाते हैं। बाकी इसमें आपको टायर साइज टायर भी आपको अलॉय मिलता है, स्टेपनी भी। और इसकी जो अगर हम टायर साइज़ की बात करते हैं तो 255/65 R18 के आपको अलॉय व्हील्स देखने को मिल जाते हैं। ठीक है, जो अगर हम इसके बूट की बात करते हैं तो इसमें आपको ज़्यादा बड़ा तो बूट स्पेस नहीं मिलता है, एक डिसेंट सा बूट स्पेस मिल जाता है, वो मैं आपको बाद में खोल के अभी दिखा दूंगा। तो सर, अब हम चलते हैं साइड पे और आपको बताते हैं कि क्या क्या कैसे क्या सिस्टम रहता है। तो साइड में ये 4x4 वेरिएंट है, तो इसमें आपको ऑल व्हील ड्राइव मिल जाएगा और इसमें आपको MTT मिल जाता है। जो अगर आपका टायर कहीं फंस जाता है तो सारी पावर दूसरे टायर में चली जाएगी जो टायर रोड पे है, बाकी दूसरे टायर में वो खाली। अगर हम डोर की बात करते हैं तो डोर में आपको यहाँ पे ब्लैक एलिमेंट्स देखने को मिल जाते हैं, यहाँ पे आपको थार की बैजिंग मिल जाती है, ये यहाँ पे ग्रैब हैंडल मिल जाता है, बॉटल होल्डर मिल जाता है, एक डिसेंट सा एक बॉटल आप रख सकते हैं, ये आपको एसी वेंट्स मिल जाते हैं, यहाँ पे आपको मिरर कंट्रोल्स मिल जाते हैं और यहाँ पे आपको ट्रैक्शन ऑन ऑफ करने का सिस्टम मिल जाता है, यहाँ पे आपको हिल डिसेंट कंट्रोल का ऑप्शन मिल जाता है, ये आप लाइट यहाँ से एडजस्ट कर सकते हैं। और बाकी ये कुछ ऐसी स्टेयरिंग है, अंदर की बात हम बाद में करेंगे। वैसे आप देख सकते हैं यहाँ पे आपको हाइट एडजस्टेबल ड्राइवर सीट मिल जाती है, यहाँ पे महिंद्रा का लोगो मिल जाता है, इधर आपको ऑडियो कंट्रोल्स मिल जाते हैं, यहाँ पे आपको क्रूज कंट्रोल मिल जाते हैं, ये लाइट के आपको सारे कंट्रोल्स इधर मिल जाते हैं, वाइपर के सारे कंट्रोल्स आपको इधर मिल जाते हैं। जो अगर हम चढ़ने की बात करते हैं तो चढ़ने में आपको यहाँ पे फुट स्टेप दिया गया है, ये फुट स्टेप मिल जाता है, तो चढ़ने में भी आपको कोई ज़्यादा परेशानी नहीं होने वाली है। ये जो वेरियंट है ये टॉप वेरियंट है, मैनुअल 5 स्पीड, ठीक है। तो डीजल में है, डीजल मैनुअल ट्रांसमिशन इसमें आपको प्रोवाइड किया जाता है, ठीक है। और यही सब है, बाकी पीछे का आप देख सकते हैं यहाँ पे ठीक ठाक स्पेस मिल जाता है, और यहाँ पे आपको स्पीकर्स मिल जाते हैं, ये दो ट्वीटर्स मिल जाते हैं, यहाँ पे आपको लाइट मिल जाती है, वाइट लाइट मिलती है, और ये हार्ड टॉप है, कन्वर्टेबल नहीं है। यहाँ इसकी बात करें तो यहाँ पे आपको कोई भी वैनिटी मिरर नहीं मिलता है, और उस साइड की जो अगर हम बात करते हैं तो उस साइड में आपको वैनिटी मिरर भी मिल जाता है, ठीक है। और जो का बात की जाए तो ये गियर की बात करते हैं तो ये आपको स्पीड गियर बॉक्स मिल जाता है, और ये आपको 4 लो न्यूट्रल 4 हाई और 2 हाई पे आपको सेट करने का सिस्टम मिल जाता है। इंफोटेनमेंट की बात करें तो 7 इंच का टच स्क्रीन इंफोटेनमेंट सिस्टम मिल जाता है, यहाँ पे आपको सारे कंट्रोल्स मिल जाते हैं और भी बहुत कुछ सारे फीचर्स इसमें मिल जाते हैं। एसी की बात करते हैं तो यहाँ पे आपको एसी वेंट्स मिल जाते हैं और रियर में आपको एसी वेंट्स प्रोवाइड नहीं किए जाते हैं, ठीक है। और वहाँ पे एसी वेंट्स मिल जाते हैं, उस साइड में आपको थार की बैजिंग भी मिल जाती है यहाँ पे, और वहीं पे उस डोर में भी वैसे ही वहाँ पे आपको थार की बैजिंग मिल जाएगी, वहाँ पे बोतल रखी हुई है, एक ही बोतल रख पाएंगे आप इसमें, 1 लीटर की या 2 लीटर की जैसा आप चाहें। इसमें आपको ऑटोमेटिक एसी नहीं मिलता है, बाकी आपको पैसेंजर एयरबैग के ऑन ऑफ करने के कंट्रोल्स यहाँ पे मिल जाते हैं, ये आपको हजार्ड लाइट मिल जाती है, ठीक है। और यहाँ से आप ऑन कर लेंगे तो ऑन हो जाएगा, ऑफ़ कर लेंगे तो ऑफ़ हो जाएगा, यहाँ पे आपको डिफॉगर मिल जाता है, और ये आपको बाकी सारे एसी के जितने कंट्रोल्स होते हैं ये आपको यहाँ पे मिल जाते हैं। पावर विंडोज़ मिल जाती हैं, ये हैंड ब्रेक मिल जाता है, यहाँ पे थोड़ी सी जगह मिल जाती है, आर्मरेस्ट इसमें नहीं मिलता है। बाकी जो अगर हम बात करते हैं तो डोर का थर्ड सुनिए, मज़ा आ जाएगी, 4 स्टार सेफ्टी रेटिंग है, बहुत ही हैवी डोर है इसका। अब हम आ जाते हैं फ्रंट पे, तो फ्रंट में आपको यहाँ पे DRLs मिल जाते हैं, ये हैलोजन इंडिकेटर मिल जाते हैं, हैलोजन लाइट मिल जाती है, यहाँ पे महिंद्रा की बैजिंग मिल जाती है, ये आपको
ग्रिल मिल जाती है जो कि, और जो आप ये बोनट खोलना चाहते हैं तो बोनट आप यहाँ से खोल सकते हैं, ठीक है। और जो कि बात करें तो यहाँ पे आपको हेलोजन फॉग लैंप मिल जाते हैं, ये एसेसरीज लगी हुई हैं, तो इसमें आपको क्रोम भी देखने को मिलेगा, यहाँ पे क्रोम देखने को मिल जाएगा, यहाँ पे क्रोम देखने को मिल जाएगा, इसमें भी आपको क्रोम एलिमेंट्स देखने को मिल जाते हैं, ठीक है। यहाँ पे आपको थार की बैजिंग मिल जाती है और यहाँ पे भी आपको क्रोम लाइट में क्रोम एलिमेंट्स देखने को मिल जाते हैं, ठीक है। और ग्राउंड क्लियरेंस आप देख सकते हैं, बहुत ही ज़्यादा ग्राउंड क्लियरेंस मिल जाता है, कोई भी दिक्कत नहीं होती, आप कहीं भी फंगाइए चाहे जो करिए। तो ये एक थार की यही खासियत है कि कोई कहीं भी आप चाहे जहाँ फंगाइए कोई दिक्कत नहीं होती है। डोर हैंडल भी आपको क्रोम एलिमेंट्स के साथ में मिल जाते हैं। ORVM की बात करते हैं तो यहाँ पे भी आपको क्रोम एलिमेंट्स देखने को मिल जाते हैं जिस पे थार लिखा हुआ है। यहाँ पे आपको रेन वाइजर देखने को मिल जाता है और यहाँ पे पीछे का ये लुक ऐसा आपको देखने को मिल जाता है। अगर हम दरवाजे की बात करें तो कोई भी चीज़ छुपाई नहीं गई है, जैसे डोर का है तो डोर का आपको यहाँ पे ये पूरा बाहर देखने को मिल जाता है जो कि इसको बढ़िया लुक प्रोवाइड करता है, ठीक है। मेरी आवाज़ थोड़ी सी डाउन है क्योंकि मेरी 2 हफ्ते से ट्रेनिंग चल रही थी तो वहाँ पर मुझे इतना बोलना पड़ा है कि जो है मेरी आवाज़ ऑटोमेटिकली डाउन हो गई है, आवाज़ बैठी हुई है, ठीक है। तो उसको थोड़ा सा आप इग्नोर करिएगा, बाकी जो कंटेंट है वो आप देखिएगा, ठीक है। जो अगर हम बात करते हैं इस साइड से तो दरवाज़ा बहुत हैवी फील होता है, एल्ट्रॉस के तरीके तो नहीं लेकिन हाँ बहुत हैवी फील होता है, ठीक है। इंग्रेस की बात करें तो अच्छा खासा यहाँ से आप, या तो आप ऐसे, जो अगर आपकी हाइट लंबी है तो आपको ऐसे बैठने में भी कोई दिक्कत नहीं होगी, ठीक है। अब हम बात कर लेते हैं अंदर की, तो अंदर आपको जैसा ये मैं बता चुका हूँ, ठीक है। इंफोटेनमेंट की बात करते हैं, फ्रंट क्लस्टर देखने को मिल जाता है, ये हमने की स्टार्ट की तो जो है ये ऐसे स्टार्ट हो जाता है। यहाँ पे थार लिखा हुआ आता है, ये रिवर्स में है तो रिवर्स का आपको यहाँ पे दिख जाता है, रिवर्स असिस्ट आपको देखने को मिल जाता है। इंफोटेनमेंट की बात करते हैं तो इसमें आपको बहुत सारे फीचर्स मिल जाते हैं, FM रेडियो मिल जाता है। होम पे आ जाते हैं तो यहाँ पे होम आ जाता है, रेडियो एडवेंचर स्टैटिस्टिक्स आपको देखने को मिल जाती हैं सारी, ठीक है। और होम पे आ जाते हैं तो एंड्रॉयड ऑटो, एप्पल कारप्ले देखने को मिल जाता है, बाकी फ़ोन के सारे कंट्रोल्स इसमें देखने को मिल जाते हैं। कार इन्फो सेटिंग आप यहाँ से कर सकते हैं, ठीक है, सेटिंग आप यहाँ से कर सकते हैं। बाकी ई मैनुअल आपको इसमें देखने को मिल जाता है, जो अगर आपको कोई भी मतलब वो है तो कोई भी कन्फ्यूजन है तो आप इससे देख सकते हैं, ठीक है। यही सब है और बाकी एसी के कंट्रोल्स आपको यहाँ पे मिल जाते हैं, हज़ार लाइट मिल जाती है। एक बार आपको फ्रंट का लुक दिखा देता हूँ फिर मैं वीडियो को एंड करता हूँ, इसी उम्मीद के साथ कि आपको वीडियो पसंद आया होगा। तो अब फ्रंट का लुक आप देख सकते हैं, फिर हम बंद करते हैं। ये आपको कुछ फ्रंट का लुक ऐसे दिखाई देता है, ये आपको फ्रंट से कुछ ऐसा लुक आपको देखने को मिल जाता है, ठीक है। अभी दिन है तो थोड़ा सा लाइट आपको नहीं दिखेगी उतनी ज़्यादा, लेकिन रात में इसका लुक बहुत अच्छा लगता है। रात का भी जो अगर आप कमेंट करेंगे तो रात का भी मैं वीडियो एक लेके आऊँगा। बाकी ये आपको हूटर मिल जाता है, ये लगाया हुआ है इन्होंने क्योंकि ये BJP के नेता हैं तो उसके लिए इन्होंने लगाया हुआ है, बाकी आप नहीं लगा सकते हैं, ऐसे कोई भी नहीं लगा सकता है, ये केवल पॉलिटिशियंस को ही अलाउड होता है ये लगाने के लिए, ठीक है। बाकी आपको न्यू थार की बैजिंग यहाँ पे मिल जाती है, बाकी लिव यंग लिव फ्री की बैजिंग आपको पीछे देखने को मिल जाती है। तो यही था आज का वीडियो, उम्मीद है आपको पसंद आया होगा। यहाँ पे ओम ऑटोमोबाइल्स की सारी डिटेल्स दी हुई हैं, कॉन्टैक्ट करिए, अपॉइंटमेंट बुक करिए। बाकी इसी उम्मीद के साथ मिलता हूँ आपसे नेक्स्ट वीडियो में, टेक केयर एंड बाय।